हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बैंगन तवा फ्राई। बहुत ही इजी एंड सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे रोस्टेड बेसन, साथ ही साथ डालेंगे हल्दी पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इन पांचों चीज़ों को मैं बेसन में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कंबाइन कर लूँगी। आपको इस स्टेज में पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से कंबाइन कर लें। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैं यहाँ एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ डालेंगे एक चम्मच ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। आप इसे क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कंबाइन कर लूँगी। चलिए अब बैंगन लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बैंगन ले रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे कट करने वाली हूँ इसे। तो सबसे पहले स्टेम का जो पार्ट है उसे रिमूव कर लेंगे और बैंगन को छोटे छोटे पतले पतले सर्कुलर शेप में कट कर लूँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह। आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको मीडियम थिक में स्लाइसेस कट करनी होंगी। उसके बाद एक एक स्लाइसेस लें और हमारा जो मिक्सचर हमने रेडी किया था ना बेसन से, उसमें अच्छे से इसे आप कोट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह, दोनों साइड को आपको अच्छे से कोट कर लेना है। जब हर बैंगन का स्लाइस इस मिक्सचर में अच्छे से कोट हो जाएगा, मैं एक प्लेट में इसे रिमूव कर लूँगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। जब आप बैंगन को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जो हमारा मिक्सचर में जो नमक हमने दिया था वो बैंगन को मॉइस्चर रिलीज़ कराएगा और इससे जब हम अपना बैंगन को तवा फ्राई करेंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा ये बन जाता है। तो चलिए 15 मिनट के बाद पैन को गरम करते हैं। डालेंगे एक चम्मच तेल और इसे तवा में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आपको इस स्टेज में ज़्यादा तेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा बैंगन का जो स्लाइसेस हमने कोट किया था ना, उसे हम तवा में डाल देंगे और दोनों तरफ कुक करेंगे एटलीस्ट जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप इसे मीडियम फ्लेम में कुक कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंगन का जो टॉप वाला पार्ट है ना, उसमें भी आप तेल डाल दें और इसे कुक करें। दोनों साइड आपको कुक करना होगा। देखिए जैसे ही एक साइड आपको लगे कि ये पक चुका है, इसे फ्लिप कर दें और दूसरी साइड पकने दें। तो करीबन ये प्रोसेस आपको 15 मिनट में पूरा आपका बैंगन तवा फ्राई रेडी हो जाएगा और जैसे ही रेडी हो जाए सर्व करें।